मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी द्वारा आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से विपक्षी नेताओं पर और विपक्षी दल के पदाधिकारियों को दबाने कुचलने की कोशिशें की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष में न बचे। विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है, तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और मैं समझता हूं कि अति का भी अंत होता है।